and congratulate the minister and ministry. Thank you, Vasanji. Next is Srimati Seema Dwivedi. Of all the 12 MPs, we all support it. We all support it. Sir, uske kariye sir, please. Hum log bhi to support kiya. Mani, अध्यक्ष जी, आज हमारे मंत्री जी द्वारा जो है सरोगेसी रेगुलेशन का भी लाया गया है, इसके समर्थन में मैं खड़ी हूँ। महोदय, मैं आभारी हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बराबर ध्यान रखा है। आज हमारे माननीय मंत्री जी ने जो बिल लाया है उसे बताना चाहती हूँ। पिछले कुछ वर्षों में भारत विभिन्न देशों के दंपतियों के लिए सरोगेसी का केंद्र के रूप में उभरा है। समय समय पर अनैतिक व्यवहार, सरोगेट माओं के शोषण, सरोगेसी के माध्यम से जन्म लेने वाली संतानों के परित्याग और आयात की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत के व्यापारिक सरोगेसी की व्यापक भर्सना हुई है, जिसकी जानकारी विभिन्न प्रिंट और माध्यम से हुई है। सरोगेसी के विनियम के लिए कोई कानून न होने के कारण सरोगेसी पद्धति का सरोगेसी क्लिनिकों ने दुरुपयोग किया है, जिसके व्यापारिक सरोगेसी और सरोगेसी के क्षेत्र में अनैतिक व्यापार की घटनाओं में बेरोकोट बढ़त हुई है। महोदय, हमारा शास्त्र भी कहता है कि हमको पितृ ऋण से उऋण होने के लिए संतान की आवश्यकता पड़ती है। हमारी वंश परंपरा चलती रहे, इसके लिए भी हमको भी संतान की आवश्यकता पड़ती है, और संतान की आवश्यकता हमारे धर्मों में है, शास्त्रों में है, सब में है। महोदय, जो ये बिल आया है, यह बिल बहुत सारी अच्छाइयों को लेकर के आया है। समाज में उन महिलाओं को बड़े निष्क्रिय भाव से देखा जाता है, समाज उनकी बड़ी उपेक्षा देखता है। जो माँ नहीं बन सकती, जो बचपन की शिकार होती हैं, ऐसी माओं का भी बहुत समाज में बहुत दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको उचित सम्मान नहीं किया जाता है। और ये जो सरोगेसी का रेगुलेशन बिल आया है मान्यवर, ये कमर्शियल सरोगेसी के प्रतिबाधित करना और निस्वार्थ सरोगेसी को संपर्क अनुमति देना, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो इसको एक बिजनेस बना लें और इस माध्यम से बच्चा पैदा करके वो बिजनेस कमा करके पैसा कमाएं। और लेकिन सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा है कि इसको परोपकार की भावना से इस सरोगेसी को बच्चे को पैदा किया जाए, और इसके लिए मतलब उनको अनुमति है, सरोगेसी के लिए उनको अनुमति है जो भारतीय नागरिक हों, जो बच्चा न पैदा कर सकती हूँ, जिनको गंभीर दिक्कतें हों, बीमारियों के नाते जिनका गर्भाशय निकाल दिया गया हो, अथवा फाइब्रॉइड होने के नाते वो बच्चा पैदा न कर सकते हों, और जिनकी शादी के 5 वर्ष हो चुके हों, और जिनकी उम्र 23 से 35 वर्ष की उम्र हो, ऐसी माँ सरोगेसी माँ की बच्चा ले सकती हैं। और जो सरोगेसी माँ बन सकती है, उसके लिए भी बहुत तगड़ा नियम है, कानून है। ऐसा नहीं कि 9 महीना उसने पेट में अपने उस बच्चे को रखा और जब बच्चे को देने की बारी आई तो वह कह दे कि मैं नहीं दूंगी, मुझे मोह हो गया है, मैं इसको नहीं दूंगी, और बाद में देने के बाद जो आपसे ऑब्जेक्शन कर दे कि इसकी संपत्ति में मेरा अधिकार है। ऐसी गिरावट ना आए, ऐसी कमजोरियां ना आए, ऐसी दिक्कतें ना आए, इसको लेकर के हमारा ये कानून बनाया गया है। और इस कानून में सख्त से सख्त सजा है, जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है उसको 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 वर्ष तक की सजा भी का भी प्राविधान है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि जो सरोगेसी माँ की बनना चाहती है, उसकी उम्र 23 से 50 वर्ष और पुरुष की उम्र 26 से 55 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और निकट का रिश्तेदार होना चाहिए, और उसमें कभी प्रत्याग न कर सके, उसको समस्त अधिकार प्राप्त हो, ऐसा कुछ हमारे नियम में लाया गया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि जो सरोगेसी और राज्य स्तर पर सरोगेसी बोर्डों का गठन करना, सरोगेसी की इच्छा रखने वाले ऐसे भारतीय विवाहित दंपत्ति जो परोपकार की भावना से सरोगेसी करना चाहते हैं उनको देना, सरोगेसी की इच्छा रखने वाले दंपत्ति किसे कम से कम 5 वर्ष के कानूनी रूप से विवाहित होने चाहिए, सरोगेसी या सरोगेसी प्रक्रियाओं को करने के लिए भारतीय नागरिक होना चाहिए, यह भी उपलब्ध करता है कि इच्छुक दंपत्ति सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए संतान को किसी भी स्थिति में परित्याग नहीं करेंगे। सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुए संतान को वह अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो जैविक संतान से उपलब्ध है।
सरोगेट माँ सरोगेसी की इच्छा रखने वाले दंपति के निकट संबंधी होने चाहिए। वह महिला पहले से विवाहित होनी चाहिए जिसकी अपनी संतान हो और उसकी उम्र 25 से 35 वर्ष के होनी चाहिए। और सबसे बड़ा यह है कि वह एक बार ही सरोगेसी माँ बन सकती है, दोबारा सरोगेसी माँ बनने का उसको अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर सरोगेसी बोर्ड गठन करना जो अधिनियम के अधीन उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निष्पादन करेगा। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर सरोगेसी बोर्डों के गठन का प्रस्ताव है जो संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के समान कृत्यों का निष्पादन करेंगे। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर एक या अधिक समुचित प्राधिकरणों की स्थापना करना जो अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु कार्यकारी निकाय के रूप में काम करेंगे। महोदय, मैं इस बिल को इसलिए मैं इसकी प्रशंसा करना चाहती हूँ, इस बिल के आ जाने से महिलाओं की बहुत सारी समस्याओं का निदान हो सकता है और ऐसी महिला जो इस काम को करती है, जो सरोगेसी माँ बनना चाहती है, ऐसी बहनों को बढ़ावा देना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, सरकार ये जो नियम बनाई है, जो सरकार कानून लेकर के आई है, जो अधिनियम को आज इस पार्लियामेंट के अंदर रखना चाहती है, इसके बिल आ जाने से समाज के वो लोग जो इसको व्यावसायिक रूप में कर रहे हैं, जो अनधिकृत रूप से अपनी क्लिनिक खोल करके ऐसा काम कर रहे हैं और उनका शोषण कर रहे हैं, हमारी सरकार यह जो अधिनियम बिल लेकर के आई है, यह बिल हिंदुस्तान की उस माताओं के लिए अभिशाप बन करके आई है जो कभी माँ नहीं बन सकती, जिसका सपना नहीं पूरा हो सकता था। यह बिल ऐसे लोगों को बढ़ावा लेकर के आई है जिनका यह सपना पूरा होने वाला है और उनके सपनों को भी चकनाचूर करेगी जो इसके माध्यम से अनधिकृत रूप से पैसा कमाते थे, व्यापार करते थे। ऐसे लोगों के ऊपर भी सरकार चिन्हित करेगी और जो सजा का प्रावधान है 10 लाख तक का जुर्माना और 10 वर्ष की सजा, मेरा माननीय आपसे अपील है इससे भी कड़ी कोई और सजा बनानी चाहिए कि जो अगर इसका दुरुपयोग करता है तो उसको दंडात्मक कार्रवाई देनी चाहिए। माननीय, मैं आज इस अपने माध्यम से इस बिल का समर्थन करती हूँ, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, अपनी सरकार को धन्यवाद देती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने जिस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए तरह तरह के नियम कायदा कानून लाने का काम किया है, उससे हिंदुस्तान के सभी महिलाओं का मार्गदर्शन हुआ है, सभी महिलाओं का सम्मान हुआ है। अंत में मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सीमा जी। नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर विकास महात्मे। डॉक्टर विकास महात्मे।